और दोस्तों काबरा सर ने यहाँ पे अभी देखो कितनी जबरदस्त मच्छी पकड़ दी है, ये देखो सर जी। एक और काबरा सर ने तो आज जबरदस्त छा गए भाई। इन्हें दिखाओ, हाथम दियो, इधर दो भाई साहब, देखो भाई साहब, और इतने बड़े बड़े मच्छी। और भाई इधर हाथों से जपका रहे हैं माछों को कि बल कहाँ होंगे, बल जहाँ होंगे बल वहीं अड़िया देंगे बल। देख रखिए पोजीशन की आपने कहाँ पे रहना है, तो यहाँ पे मूड़ी भाई तो फिलहाल अभी जपका रहे हैं कि बल कहाँ पे होंगे, वहीं पे धर लेंगे बल, जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे धर लेंगे। मार 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 मार, शाबाश, बहुत ला 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 ला, इंदे इंदे मूड़ी इंदे इंदे, ओ भाई साहब लप लपू एक सख्त आ रहा है। दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारी नए व्लॉग में नए दिन के साथ। तो आज हमारा प्लान है मच्छियों का पार्ट टू बनाना। जैसा कि आपने मच्छियों वाले व्लॉग में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, काफ़ी अच्छे व्यू आए थे उसमें, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके लिए एक और मच्छी का व्लॉग लाया जाए मच्छियों का पार्ट टू लेकर। तो आज हम जाने वाले हैं फिर से अपने गाँव की नदियों में मच्छी पकड़ने के लिए। तो आज का व्लॉग पूरा होने वाला है मच्छियों के ऊपर, तो मैं आज आपको पूरा बताऊंगा कि हम कैसे कैसे मच्छियां पकड़ते हैं, क्या कुछ करना पड़ता है मच्छियों को पकड़ने के लिए, तो वो सब आज आपको इस व्लॉग में दिखेगा। फिलहाल तो अभी हम घर से निकले हैं और जो हम मेरे साथ भाई लोग आ रखे हैं वो नीचे जा चुके हैं, तो मैं भी जा रहा हूँ नीचे के लिए। तो मिलते हैं अब आपको नदी में, तब तक आपने करना क्या है वीडियो को आगे देखने के लिए, वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। तो मिलते हैं अब आपको नीचे नदी में और आज का व्लॉग करते हैं शुरू। और नदी में जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ से रूबरू करवा देता हूँ कि जब मैं नदी में पहुँचूँगा तो पीछे बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक आता है नदी का वो काफ़ी तेज़ में आता है, तो इसे मेरी आवाज़ क्लियर से आपको सुनाई नहीं देती, तो इसके लिए मैं थोड़ी सी माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी उतना अच्छा सेटअप है नहीं कि आपको क्लियरली मेरी आवाज़ सुनाई दे, पर मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छे से आवाज़ सुनाई दे और अच्छे से मैं आज का व्लॉग कर पाऊँ। फिलहाल उस चीज़ के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, पर देखते हैं कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी आवाज़ सुनाई दे और अच्छी बेहतरीन तरीके से मैं आपको आज का व्लॉग आपको दिखा पाऊँ। तो बस मैं पहुँचने वाला हूँ नीचे, देखिए कहाँ है रे रास्ता, कहाँ ये इधर से इधर मुड़ना है, जाड़ी जाड़ी हो रही है चारों तरफ, तो पता नहीं चल रहा कहाँ का रास्ता कौन सा है, तो चलिए बस चलते हैं यार। तो दोस्तों यहाँ पहले से ही शुरू हो चुका है मच्छी पकड़ने का जो आज का हमने ब्लॉग बनाना है, तो यहाँ तो पहले ही शुरू हो चुके हैं हमारे भाई लोग। और भाई लोग कौन कौन है, मूनी भाई है, कुरली भाई है और पौंदा है, और इधर आप जाने माने चेहरे तैमूर सर। अरे सर आप कहाँ कब पहुँचे यहाँ? हम तो सुबह से कपड़े धो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा तो ये पंदर है हमारे गांव का, यहाँ पे पानी लेने के लिए काफ़ी अच्छा ठंडा ठंडा पानी आता है यहाँ पे, कूल। तो हम पहुंच चुके हैं नदी में और यहाँ पे तो शुरू हो चुके हैं मच्छी मारना, और मैं मिलवाता हूँ जो मच्छी मार रहे हैं आज, मतलब पकड़ रहे हैं अभी, और पानी काफ़ी ठंडा है। और यह पान भाई ऊपर यार हेलो तो कीजिए। और ये इधर हमारे कुरली भाई, आपने देखा होगा पिछले मच्छी वाले ब्लॉग में इनका काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट था, इन्होंने काफ़ी सख्त मच्छी पकड़ ली थी, और मूड़ी भाई भी उसी प्रकार से काम करते हुए। तो हाँ तो आज का क्या सीन है, कितनी मच्छियाँ पकड़ लोगे कम से कम? पिछली बार तो आपने काफ़ी अच्छी मच्छियाँ पकड़ी थी, इस बार कितना है लगभग? ओ अभी देखा आप, मच्छी पकड़ना उतना ईजी है नहीं जितना आप सोचते हो, ये सब करना पड़ता है। वही तो, ये देखो मूड़ी भाई कितने बड़े बड़े पत्थर उठा रहे हैं अकेले अकेले, ये देखो। तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या सीन होने वाला है, तो कुछ है नहीं देखो इस साइड, इधर से दिखाता हूँ आपको। तो जो ये वाला पानी है यहाँ पे हमने पत्थरों का एक ऐसा डैम बना देना है जैसे यहाँ पे बना है, और जो ये वाला पानी है उसको इस साइड कर देना है, और जो उस साइड का पानी होगा वो बिल्कुल सूख जाएगा और कम हो जाएगा, और बाकी हम बाद में बताएंगे जो कुछ होगा जैसे जैसे होगा। अभी तो मैं इसमें आपको ऊपर से बता देता हूँ कि यहाँ पे एक डैम बनेगा और ये वाला पानी इधर जाएगा और वो वाला पानी कम हो जाएगा।
आइए कुछ बोल रहे हैं इधर से। अच्छा सो लो तोड़ी ले फटाफट। तो मैं अभी सोले तोड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो सोले क्या होते हैं आप सोच रहे होंगे, सोले किसे बोलते हैं? तो सोले इसे बोलते हैं। ये एक घास है, ये एक घास भी और एक जड़ी बूटी भी है कि जब आपका कुछ कटता है, मतलब जब आपका हाथ या कुछ कटता है, हाथ पांव कुछ भी कटता है, तो जो हम पहाड़ी लोग हैं हम इसे पीस कर उस पे लगा लेते हैं। तो इसे हम अपने उसमें कालू घास बोलते हैं, कालू खेड़। और वैसे साधारण भाषा में बोले हम जब बोलते हैं तो हम इसे बोलते हैं शोला। शोला ला भाई शोला, जब भी कुछ कटता है तो इसे पीस के लगाते हैं। तो ये इससे काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ भी बनती है। फिलहाल मुझे पता है नहीं कौन कौन सी बनती है, पर बनती है ये मुझे पता है। तो अभी इसे तोड़ के वहाँ पे लगाएंगे तो मैं आपको आगे बताऊँगा क्या क्या होने वाला है। तो हो चुका है डैम बनाना शुरू। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस साइड पानी जाएगा, इस साइड यहाँ पे पत्थर खड़े होंगे। तो हो चुका है काम शुरू ना। और ये है हमारे कुरली भाई, काफ़ी ताबड़ तोड़ क्लियर हैं ऐसे कामों के लिए। सल्ली बोलते हैं जिसे। तो यहाँ पे हो चुका है जो मैंने बोला था, डैम बन चुका है यहाँ पे। कुछ डैम मतलब ब्लॉक कर दिया यहाँ पे पानी को, और ये पानी जाएगा उधर और नीचे हो गया। देखो पानी कम हो गया वहाँ, तो अभी इसे पूरा वहाँ तक पूरा इसे कवर करेंगे पन्नी से। और हम अभी नीचे जा रहे हैं। और यहाँ पे मच्छी दिखना हो चुकी है शुरू। और यहाँ पे मूनी भाई, और यहाँ पे एक मच्छी वाल ऊपर आई क्योंकि ये यहाँ का पानी कम हो चुका है, ये देखिए। और अभी मूनी भाई अभी लगे हैं उसे पकड़ने की दरकार में, देखते हैं पकड़ पाते हैं कि नहीं। और ये पकड़ लिया मूनी भाई ने, सौरभ भाई ने। रुको पटको यहाँ पे। ओह हो, तो शुरू हो चुकी है मच्छी मारना। फर्स्ट मच्छी आ चुकी है हमारे हाथों में, ये देखिए। इसे बोलते हैं हम अपनी भाषा में कणचूला। लो मैं नीचे जा रहा हूँ, और नीचे क्यों जा रहा हूँ मैं अब भी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल मुझे आराम से जाना होगा क्योंकि यहाँ बहुत खतरनाक ढूंढे भी है, और वो चिपले हो रखे हैं तो मेरा पाँव फिसल जाएगा तो मैं लमड़ जाऊँगा। तो इसलिए मुझे हल्का चलना पड़ेगा। तो मुझे डर भी लग रहा है कहीं मेरे हाथों से फ़ोन ना छूट जाए। मेरा फ़ोन वाटरप्रूफ भी नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम से चलना होगा। और हम नीचे की ओर, तो मेरे साथ एक भाई और है जोशी जी, वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ काफ़ी ज़्यादा मच्छी है। आज तो मज़ा ही आ जाएगा भाई। जोशी जी तो पहुँच चुके हैं नीचे, पता नहीं कैसे भाग रहे हो ऐसे खतरनाक ढूंगों पर। और मुझे तो बिल्कुल डर लग रही है भाई साहब, पर जोशी जी हमारे खतरनाक बोले तो हम बॉम्बास्ट आदमी हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा कि आप ये जाल यहाँ पे लगा क्यों रहे हो इतनी जल्दी, क्योंकि पानी अभी काफ़ी तेज है। तो यहाँ पे हम जाल लगाने के लिए आ रखे हैं, और जोशी जी यहाँ पे जाल लगाते हुए। सर जी कुछ हेल्प कर चाहिए मेरी, कपड़े पकड़ है? तो जोशी जी साथ साथ है मुझे बताए भी कि ये जाल क्यों लगा रहे हो आप? लगा रहे हैं हम, इधर से पानी कम होगा। वैसे मच्छी भागती है ऊपर को है। अच्छा इधर से पानी आ रहा है। हाँ पर बाय चांस हाँ अपनी मच्छी सेफ के मतलब हम। अच्छा मतलब मच्छी नीचे ना भागे, नीचे ना भागे। अच्छा उसके कारण। हमें जोशी जी ने अभी बताया कि ये जो हम जाल लगा रहे हैं इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि पानी कम हो रहा है। जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि हम पानी ब्लॉक कर रहे हैं, इधर साइड का पानी दूसरे साइड भेज रहे हैं, तो जो ये मच्छी है पानी कम होगा तो नीचे की साइड भागेगी। और आप नीचे देख सकते हो दूसरी नदी है, मतलब जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ चली जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर जाल लगा रहे हैं, जैसे कि वो नीचे भागे तो यहाँ पर ये जाल में फंस जाए। तो ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है, जैसे कि मैं आपको ट्रिक भी बता रहा हूँ मच्छी पकड़ने की, और साथ साथ में हम मच्छी कैसे पकड़ रहे हैं वो भी बता रहे हैं। और हमारे साथ तो काफ़ी भयंकर प्लेयर भी आ चुके हैं आज, जोशी जी। ये काफ़ी बोले तो ज़बरदस्त मच्छी पकड़ने का इन्हें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है,
इनके सामने हम तो अभी छोटे खिलाड़ी है, तो इन्होंने तो काफ़ी मच्छी पकड़ी अपने उस टाइम में जब ये हमारे टाइम के थे, तो आज भी हमारे साथ हमें बता रहे कि ऐसे ऐसे मच्छी पकड़ते हैं, तो ये भी काफ़ी बेहतरीन बात है। तो ऊपर भी मच्छी पकड़ना शुरू हो चुकी है, जैसे कि फर्स्ट में ही हमें एक कंसोला मिल चुका था जिसे हम रोहू मच्छी बोलते हैं। यहाँ अलग अलग नाम है मच्छियों का, तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगा भी किस मच्छी को क्या बोलते हैं। फिलहाल तो अभी हम पानी कम कर रहे हैं। सौरभ भाई इधर हाथों से झपका रहे हैं माछों को कि बल कहाँ होंगे, बल जहाँ होंगे बल वहीं अड़िया देंगे बल देखो कितनी फास्ट मूवमेंट कर रहे हैं हमारे सौरभ भाई, इधर भी उधर भी, और अब काबरा सर भी, और नीचे हमारे जोशी जी जाल पे देख रहे हैं मच्छियाँ। तो सबका अपना अपना वो है, क्या रूटीन है, रूटीन बोल, सबको अपनी अपनी वो देख रखी है पोजिशन की आपने कहाँ पे रहना है। तो यहाँ पे मूड़ी भाई तो फिलहाल अभी झपका रहे हैं कि बल कहाँ पे होंगे, वहीं पे धर लेंगे बल, जहाँ पे मिलेंगे वहीं पे धर लेंगे। दोस्तों काबरा सर ने यहाँ पे अभी देखो कितनी ज़बरदस्त मच्छी पकड़ दी है, ये देखो सर जी, भाई साहब एक और, ओहो, और काबरा सर ने तो आज ज़बरदस्त छा गए भाई। इन्हें दिखाओ, हाथम दो हाथम दो हाथम दो, इधर दो इधर दो, भाई साहब देखो भाई साहब, और इतने बड़े बड़े मच्छी, और अब हमारे सर जी पकड़ेंगे। तो ये देखिए आप देख लो हाथ से देखो कितनी बड़ी बड़ी है यहाँ तक भाई साहब। तो हाँ सर जी मजा आ रहा है ना, बिल्कुल जबरदस्त वाला, बिल्कुल, और सुल्तान हो चुके हैं, सुल्तान सुल्तान, दिखाओ जरा बाल्टी, अब बाल्टी अभी भरने शुरू हो चुकी है, अभी अभी हमने स्टार्ट भी नहीं किया मच्छी पकड़ना, और अभी देखो इतने पकड़ चुके हैं, और वो मच्छी नीचे पकड़ रही है भाई साहब, चलो चलो भागो भागो यार। और देख सकते हैं आप सुल्तान हो चुकी है मच्छियों की, और मच्छी पकड़ने वाले हमारे भाई जी ये, और आप काफी ज्यादा मजा आ रहा है। तैमूर सर हमारे सूरवीर मच्छियों की छानबीन करते हुए हमारे कुरली भाई और काबरा सर बोल रहे हैं कि मच्छी बिल्कुल नहीं छूटनी चाहिए, एक साइड से एक साइड तक पूरा साफ करेंगे, और इन्हें दिख चुकी है एक मच्छी शायद, पर छोड़ दी इन्होंने। देखिए ऐसे ऐसे पत्थरों के अंदर हाथ डालना पड़ता है मच्छी पकड़ने के लिए, और कभी कभी गुरा भी निकल जाता है, तो इसलिए थोड़ा डर भी है, पर डर क्या है, जीत है बस। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो नॉन वेज नहीं खाते, जिन्हें पसंद नहीं मछलियाँ पकड़ना, या जो खाते नहीं है, वो यहीं पे से वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और जो दिलचस्पी है जिन्हें नॉन वेज में, तो ज़रूर देखें और मज़ा लीजिए हमारे साथ। खाता तो मैं भी नहीं हूँ, पर मुझे शौक है सब करने का, पहाड़ों में है, जो पहाड़ी होंगे यार वो अपना आप कर लेते हैं सब, ये तो एक किस्म से वो है क्या, पैशन है एक किस्म से, पहाड़ी होगा ये सब करना, तो हमें हिजक नहीं लगती ये सब करने में, ये तो अपना ही एक हिस्सा है ये सब करना। तो जो जिन्हें नॉन वेज नहीं पसंद तो वो कर सकते हैं यहाँ पे से हमारी वीडियो स्किप, और जिन्हें हैं तो वो ज़रूर देखें, क्योंकि आपने पिछली वीडियो में हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा प्यार बरसाया था, तो इसमें भी आप प्यार बरसाएं, क्यों जोशी जी, है ना। तो सौरभ भाई की तो हालत पूरी ख़राब हो चुकी है भीग भीग के, और मुझे भी काफ़ी संभल के चलना पड़ेगा, क्योंकि पत्थर देखो भाई, ये देखो आप इसमें पैर रखो सीधा ऐसे चिपल जाओगे, तो चिपल नहीं चिपले जाओगे, तो इसलिए थोड़ा सा संभल के भाई साहब। और हमारे यंगस्ट ब्लास्टर तैमूर सर भी आ चुके हैं, वीरों के वीर सूरवीर तैमूर मिर्जा, तैमूर मिर्जा इनका हमारा निक नेम रख रखा है, वैसे इनका नाम भारत रावत है, तो हम इन्हें प्यार से तैमूर मिर्जा बुलाते हैं, क्यों सर, यस 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 यस। तो अभी तक कितनी मच्छी पकड़ी, इतनी तुमने कितनी पकड़ी, दो, अजी हाँ एक भी नहीं पकड़ा, झूठ बोलना, और यहाँ पीछे मिलवाता हूँ सबसे। और ये हमारे कुरली भाई, भाई जी कितनी मच्छी पकड़ी, तुमने कितनी पकड़ी, मैंने चार पकड़ ली, अजी हाँ, और काबरा सर तो पकड़ ही रहे हैं, और ये हमारे पानू भाई, और हाँ सर जी कितनी मच्छी पकड़ी, छह मारे पकड़े हो सर जी तुमने, तीन तो पकड़ लिया मैंने बड़े बड़े, अच्छा तो एक और पकड़ा मैंने भाई, और भाई साहब ये कहाँ पे पकड़ा, यही ऊपर में, ऊपर में, ये देखो इधर से देखो किसने पकड़ा है, तुमने पकड़ सच्ची, अजी हाँ भाई साहब देख रहे हो यहाँ कावरा सर तो जोश में आ रहे हैं आज, अरे यार कुरीला ले मत छोड़ दे, बड़ू भारी
मार 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 शाबाश बहन ला 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 इंदे इंदे मुंह इंदे इंदे ओ भाई साहब लप लपू एक सख्त आ रहा है। तो हम आ चुके हैं ऊपर से मच्छी मार के और अब हम आए हैं दूसरी जगह पे। और ये दूसरी जगह आपको जानी पहचानी सी होगी क्योंकि इस वाली साइड हमने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था अपना और इस पे इस बार हमारे साथ काफी नए चेहरे हैं जैसे कि हमारे ब्योला भाई और जोशी जी नए चेहरे भाई। ये नए चेहरे हैं जोशी जी, बाकी तैमूर सर और सौरभ भाई और कुरिली भाई को तो आप जानते हैं। और ये अब हम आए हैं दूसरे वाली साइड जहाँ पे हमने फर्स्ट ब्लॉग बनाया था अपनी मच्छियों का। तो यहाँ पे हमने काफी ज्यादा मच्छी मारी थी तो सोचते हैं शायद इस बार भी यहाँ पे काफी ज्यादा मच्छी होंगी। और तो ऊपर से तो हमने इतने सारे मच्छियाँ पकड़ी जो हमने ऊपर पे किया था ना उसमें हमने लगभग कितनी पकड़ ली थी ये देखो। अब कोशिश करेंगे कि यहाँ पे भी काफी ज्यादा मच्छियाँ पकड़ी जाए। तो चलिए यहाँ पे भी वही वाला करते हैं, ऐसे फाट बना के उधर साइड पानी और इधर साइड पानी कम। तो चलिए करते हैं फिर। तो यहाँ पे बिल कर लिया है हमने एकदम फर्स्ट क्लास का काम। इधर का पानी हमने देखो कितना कम कर दिया है, जो इधर का पानी था वो हमने फेंक दिया है उधर साइड, मतलब उस साइड कर दिया इधर का पानी। और अभी फिलहाल यहाँ पे पन्नी लगाई जा रही है, पन्नी इसलिए लगाई जा रही है क्योंकि जो पानी आ रहा है यहाँ पत्थरों के बीचों से उसे रोकने में मदद करेगा ये पन्नी। और यहाँ का पानी काफी कम होता हुआ। और आपको अगर यहाँ का नज़ारा मैं दिखाऊं तो कुछ इस तरह से है, एकदम आनंददायक। तो अब चलिए आप करते हैं मच्छी पकड़ना स्टार्ट, मिलते हैं आपको थोड़ी ही देर में। वे मुड़े नहीं फंस जाना है। और यहाँ पे बल मच्छी है, बल एक ताबूत तो। है देखते कितने घंटे बाद पकड़ता है मच्छी को। बटो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, दिखा हाथ दिखा पूर्व ले आ रहे थे कल दे रहे भाई जी पन्नी। यहाँ पे हमें फर्स्ट मच्छी पकड़ ली है, यहाँ पे हमने फर्स्ट मच्छी पकड़ ली है। और ये हमारे जोशी जी लियो लियो, ओहो एक और। और यहाँ पटका पटकी चलती हुई दो मच्छी पकड़ ली हमने इस वाले साइड से। तो तीन बच चुके हैं और हमने मार ली है मच्छियाँ। कितनी मच्छी हमारी ये रही। तो आज भी हमने काफी अच्छी मच्छी मारी। तो ये बड़े बड़े मच्छियाँ अलग अलग की जा रही है। तो हाँ तैमूर सर कैसा लगा आज आपको आज का दिन? बहुत थक गए हम आज के दिन। अच्छा तुमने कितनी मारी आज मच्छी? सारी तो मैंने मारी, बाकी तो ऐसे ही तमाशा देखा। और हाँ जोशी जी तुमने कितने मारी? तो जोशी जी हाथ में दिखाओ, एक हाथ में दिखाओ बड़ी वाली। ओ भाई ये आई ना बढ़िया। और हमारे कुरली भाई, कुरली भाई कितनी मारी? कितनी मारी आज, कितनी ठुकान करी आज आपने मच्छियों की? तो मजा आएगा ना आज भी। चलिए फिर अब घर की ओर सारे रवाना होते हुए। तो आज का दिन काफी इंजॉय किया हमने और अच्छे से पार्ट टू भी बना लिया है हमने मच्छियों का। और अब हम घर की ओर रवाना हो चुके हैं। हम जितने भी थे आ रखे, आज पहले चले गए और आज हम बच रखे हैं लास्ट में। तो चलिए इस वीडियो की भी एंडिंग कर लेते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अब आप नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट दिन के साथ। तब तक के लिए मचाते रहो।